गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। ना अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में कंप्लीट हुआ था, उसके बाद रॉलीज और लैग्रेंजेस थ्योरम पर भी लास्ट क्लास मतलब कल ही अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे सारे, है ना। अब इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। नेक्स्ट कंसेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा, तो मीनिंग क्लियर है। मैक्सिमा मतलब वो पॉइंट फंक्शन में, फंक्शन के डोमेन में वो पॉइंट जिस पर फंक्शन मैक्सिमम होता है, और मिनिमा मतलब फंक्शन के डोमेन में वो पॉइंट जिस पर फंक्शन मिनिमा होता है, और उन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, राइट। तो इसमें हमने मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस, मोनोटोनिक में तो हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में देख चुके हैं, वही अभी लिख सकते हैं अपन से मोनोटोनिक फंक्शन। फॉर मोनोटोनिक फंक्शंस, अब मोनोटोनिक फंक्शंस भी दो टाइप के होते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अपन इफ एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए, देन ग्राफ में देखें ये x इक्वल टू a, ये x इक्वल टू b, है ना, कंटिन्यूअस और इंक्रीजिंग भी। तो जो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू f a, ये मिनिमम वैल्यू हुई, फंक्शन मतलब y इक्वल्स टू f x की, और ये f b मैक्सिमम वैल्यू, देन f a इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f x, एंड एफ बी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स, एंड एफ बी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। अब जिस तरह हमने इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बात की, वही वैसी बात हम डिक्रीजिंग के लिए कर सकते हैं। If fx is continuous and decreasing function in closed interval AB, then ए पर एफ ए फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो और एफ बी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो उल्टा क्या हो गया, जो डोमेन का स्मॉलेस्ट पॉइंट है उस पर मैक्सिमम है और जो लार्जेस्ट पॉइंट है उस पर मिनिमम, देन एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एफ ए has maximum value f a and minimum value f b, ठीक है। सेम बात हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में, मोनोटोनिक फंक्शंस में कर चुके हैं। तो मोनोटोनिक फंक्शंस में इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग,
नोट करेंगे, फिर हम बात करेंगे फॉर नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। हो गया सभी का? एक मिनट का। डन सर। फॉर नॉन मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस मतलब जो अपने डोमेन में fx is continuous and non-monotonic in closed interval AB, then fx has maximum value or minimum value on those x in open in closed interval AB where f dash x equal to 0 or f dash x does not exist or f dash x does not exist or at the boundary value extreme points in the domain ya to a par hoga ya b par hoga ya fir un points par hoga jahan par f dash x 0 ho. Baat samajh mein aa gayi kya? fx is continuous and non-monotonic enclosed interval AB, then fx has maximum value or minimum value, दोनों को एक साथ हम extremum value भी बोलते हैं, extremum में दोनों include हो जाती है, maximum or minimum value on those x where f dash x equal to 0 है ना? जैसे देखो आप f dash x equal to 0 पे क्यों ये इस पॉइंट पर यहां पर x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट आएगी, f dash x इस पॉइंट पर 0 होगा, उसी पर मिनिमम है, देखो फंक्शन की वैल्यू में इस पॉइंट पे ही होगी, ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से सबसे कम कहां है यहां पर और सबसे ज्यादा कहां पर है यहां, है ना? तो वैल्यू ऑन दो जेक्स वेयर एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो और एफ डेस एक्स डज नॉट एग्जिस्ट और एंड पॉइंट्स
ऑफ द इंटरवल, जैसा कि आपने डू योर सेल्फ थ्री के क्वेश्चन में किया था। समझ में आया क्या? तो हमने क्या किया, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है अगर, तो वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहां पर देगा, किन एक्स पर देगा, उन एक्स पर जहां पर एफ डैश एक्स जीरो हो। जिन पॉइंट्स पर एफ डैश एक्स जीरो होता उन्हें क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। उन पॉइंट्स पर जहां पर एफ डैश एक्स जीरो होता है उन्हें क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो इसलिए क्रिटिकल पॉइंट्स पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी, या फिर इंटरवल जो है ए बी उसके एंड पॉइंट्स पर, इंटरवल के एंड पॉइंट्स ए और बी। ठीक है, तो यहां पर तो कहां पर, जहां पर एफ डैश एक्स जीरो होगा उन पॉइंट्स पर, इस पर मिनिमम आएगा, इस पर मैक्सिमम, इस ग्राफ। बात समझ में आ गई क्या? तो ये थ्योरी किसके लिए है, फॉर नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। हो गया, एक मिनट। ठीक है, यस सर। अब हम बात कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा की ही बात करते हैं, लोकल मैक्सिमा के लिए एक और वर्ड है, रिलेटिव मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा और रिलेटिव मैक्सिमा मतलब फंक्शन में के डोमेन में वो पॉइंट जहां पर फंक्शन मैक्सिमम हो। अब यहां मैक्सिमम हो मतलब अपने आसपास के नेबरहुड के पॉइंट में मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम वैल्यू इसका मतलब वो पॉइंट नहीं है जहां पर फंक्शन की वैल्यू लार्जेस्ट है, लोकल मैक्सिमा है, और हो भी सकता है पर वही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये एक्स फंक्शन के डोमेन में वो पॉइंट है जिन पर फंक्शन की वैल्यू लार्जेस्ट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है पर जरूरी ही लार्जेस्ट वैल्यू ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए वर्ड क्या है, लोकल मैक्सिमा, अदरवाइज मैक्सिमा ही हो। जैसे हम समझे इसको, ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट है x इक्वल टू a, ये पॉइंट है x इक्वल टू। हाँ, ये बताओ फंक्शन, आप ग्राफ देख रहे हैं, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ए पर है या बी पर है? फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम ए पर है या बी पर? बी पर, बी पर। तो ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, लेकिन इस फंक्शन ए पर भी फंक्शन लोकल मैक्सिमा है, फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए। क्यों? अपने आसपास के पॉइंट, ए के नेबरहुड में जो पॉइंट है उनसे, उनमें तो सबसे बड़ा है। x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू, x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू ए के नेबरहुड के पॉइंट्स में लार्जेस्ट है, एफ ए एफ ए माइनस एक्स से भी बड़ा है, ए के लेफ्ट नेबरहुड में भी किसी पॉइंट से बड़ा है और राइट नेबरहुड में भी किसी पॉइंट से बड़ा। सो एफ ए एक्स एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली सर, रेंज क्या होगी मतलब लोकल वालों के लिए?
लोकल वालों के लिए रेंज क्या होगी? लोकल वालों के लिए रेंज क्यों होगी? ये लोकल फंक्शन थोड़ी बोल रहा हूं, रेंज तो फंक्शन की होती है ना, कि मैक्सिमा मिनिमा की रेंज होती है, रेंज तो फंक्शन की होती है ना, तो फंक्शन की रेंज तो वही होगी जो सबसे बड़ा पॉइंट है। रेंज में थोड़ी लोकल वर्ड है, रेंज मतलब तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी फंक्शन की वो आएगा हाईएस्ट पॉइंट, और ये स्मॉलेस्ट पॉइंट आएगा, ठीक है। रेंज तो, रेंज में जो सबसे छोटा नंबर है जैसे साइन एक्स, तो साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस वन और मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन, यही रेंज हो। अब और वो कई जगह लोकल मैक्सिमम मिनिमा हो तो उससे कोई मतलब नहीं, बात समझ में आ गई? रेंज मतलब तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का इंटर, ठीक है। अब हम यहाँ x इक्वल टू ए पर फंक्शन हैज, एट x इक्वल टू ए फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा, एंड x इक्वल टू बी फंक्शन ऑल्सो हैज लोकल मैक्सिमा, और ये जो लोकल मैक्सिमा है यही इसी पर, इस लोकल मैक्सिमम वैल्यू पर ही फंक्शन की रेंज मिल रही, वो एक अलग बात है, पर ए पर भी लोकल मैक्सिमा बोल सकते हैं, बी पर भी लोकल मैक्सिमा, बात समझ में आ गई? तो एक ही फंक्शन में कितनी जगह लोकल मैक्सिमम पॉइंट मिल सकते हैं, राइट? जैसे एक जीरो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, पर मिनिमम की बात नहीं कर रहे हैं, तो मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा, तो हम क्या बोलेंगे, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव अ लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव अ लोकल मैक्सिमा at x equal to a if fa is greater than fa minus h and fa is also greater than fa plus h where h is very small positive quantity, baat samajh mein aa gayi kya? x equal to a par function ki value fa, ये x इक्वल टू इस पॉइंट पर a माइनस h पर फंक्शन की वैल्यू fa माइनस h, x इक्वल टू a प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू fa प्लस h, तो जो fa है fa माइनस h से भी ग्रेटर है और fa प्लस h से भी ग्रेटर, fa इज ग्रेटर देन fa माइनस h एंड fa इज आल्सो ग्रेटर देन fa प्लस h, वेयर a माइनस h एंड a प्लस h आर द पॉइंट्स इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू, x equal to के left neighborhood और right neighborhood में point है, उनसे greater है, so at x equal to a function has local maximum और relative maximum, बात समझ में आ गई क्या? Yes sir. Okay. अब हम बात करेंगे लोकल मिनिमा की, देखो लोकल मिनिमा कई जगह है, इस पर है, इस पर है, x इक्वल टू c, x इक्वल टू d, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो यहां है इस पॉइंट पर, लेकिन सी पर भी मिनिमा है, लोकल मिनिमा, और लोकल मिनिमा ग्लोबल मिनिमा हो, रेंज का पॉइंट, रेंज में की मिनिमम वैल्यू हो सकता है ना, जो रेंज में हम जो इंटरवल लिखते हैं उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है, तो लोकल मिनिमा ग्लोबल मिनिमा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, पर हो गई ये कोई जरूरी नहीं, यहां एक्स इक्वल टू सी और एक्स इक्वल टू डी दोनों ही लोकल मिनिमम पॉइंट है, लोकल मिनिमा के पॉइंट है फंक्शन के, पर इन दोनों पर तब भी फंक्शन की वैल्यू मिनिमम नहीं, मिनिमम तो इस पॉइंट, राइट? तो हम बोलेंगे अ फंक्शन एफ एक्स, एफ एक्स, अ फंक्शन एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी if
FC is less than FC minus H and FC is less than FC plus H, where H is very small positive. Right, FC minus H और X equal to C plus H. जो FC की value है वो FC minus H से भी smaller है और FC plus H से भी smaller. X equal to C के intermediate neighborhood, मतलब left neighborhood और right neighborhood, दोनों neighborhood में X की value से x की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू से fc स्मॉलर. सो fc एट x इक्वल टू c फंक्शन हैज लोकल मिनिमम वैल्यू, मिनिमम लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू c एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज fc. बात समझ में आ गई क्या सभी को? यस सर. तो एक ही फंक्शन में लोकल मैक्सिमा एक से ज्यादा हो सकते हैं, लोकल मिनिमा भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक ही होगी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एक ही होगी. और जो ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा है उनको भी हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा बोल सकते हैं. Yes, sir. ठीक है ना, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी बन सकता है ना? यस सर. यस सर. मोदी जी. मोदी जी बिल्कुल. फिर इसके लिए डोमेन अलग दिया होगा ना? नहीं, क्यों दिया होगा अलग? फंक्शन दिया होगा, उसमें हम जितने जितने भी लोकल मैक्सिमम पॉइंट होंगे वो निकालेंगे. यहां जहां फंक्शन लोकल मैक्सिमा रख सकता है उन पॉइंट्स को निकालेंगे, तो उन पॉइंट्स पर सभी पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी. ठीक है. ठीक है. यस यस सर. ठीक है. तो अब ये तो अब हमें पता करना रहेगा कि भाई कैसे पता करें कि किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है और लोकल मिनिमा है. तो उसके लिए फंक्शन लोकल मैक्सिमा मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जिन पॉइंट्स पर रखता है वहां पर एफ डैश एक्स क्या होता है? जीरो. वहां पर एफ डैश एक्स जीरो होता है ना. तो अब सबसे पहले एफ डैश एक्स जिन पॉइंट्स पर जीरो होता है उनको हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं. हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हैं. क्रिटिकल पॉइंट्स किनको बोलते हैं हम, किसी भी फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट? द पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ फंक्शन एफएक्स. पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ एफएक्स वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो और एफ डैश एक्स does not exist. Points in the domain of fx
where f dash x equal to 0 or f dash x does not exist are called critical points. बस समझ में आ गई क्या? Points in the domain of fx, किसी भी function fx के domain में वो point जहां पर उसका derivative 0 हो या फिर derivative exist ना हो, ऐसे points को हम critical points को. ठीक है? ठीक है, समझ में आया कि सभी को? ओके, अब हम स्टेशनरी पॉइंट की बात करें. स्टेशनरी पॉइंट्स, किसी भी फंक्शन के स्टेशनरी पॉइंट, मतलब देखो आप, ये ग्राफ आ रहा है, यहां पर ग्राफ एक तरीके से रुक गया का मतलब मिनिमम हो गया, फिर आगे बढ़ा. इस पॉइंट्स को ही क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स. पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स वेयर एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द फंक्शन. यहां फंक्शन और लिख सकते हैं ना, आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स of the function fx. समझ में आया क्या? क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स समझ में आ गया सभी को? यस सर. दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? हो गया दोनों में डिफरेंस क्या है? है ना डिफरेंस. ये स्टेशनरी पॉइंट्स किनको बोलते हैं? जहां पर केवल f dash x जीरो और f dash x एग्जिस्ट हो या नहीं हो इससे मतलब नहीं है. लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स में उन पॉइंट्स को भी क्रिटिकल पॉइंट्स बोल सकते हैं जहां पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हो. ये डिफरेंस. ठीक है, आज में आ गया है सर? हाँ सर. यस. Find critical points and stationary points of the function fx equal to. Find critical points and stationary points of the function fx equal to x minus 2 whole power 2 by 3 into 2x plus 1. X minus 2 whole power 2 by 3 into 2x plus 1. ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे? f dash x, है ना? क्योंकि critical points के लिए हमें f dash x equal to 0 जिन points पर है वो निकालना है, stationary points के लिए. और critical points के लिए ये भी देखना है कि f dash x किन points पर exist. हाँ, तो डोमेन बताओगे पहले? इस फंक्शन का डोमेन कोई बताए?
इस फंक्शन का डोमेन सर एक्स एक्स आर कोई भी रियल नंबर होता क्यों क्योंकि यहां क्यूब यस नंबर का क्यूब रूट डिफाइन होता है रियल होता स्क्वायर रूट होता तो दिक्कत होती हम लिखते फिर x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अभी तो x बिलोंग्स टू अब डेरिवेटिव निकाल फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव 2 प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 by 3, x minus 2, 2 by 3, minus 1, minus 1 by 3. So, 2, x minus 2, whole power 2 by 3, 2 common ले लिया, तो 1 by 3, 2x plus 1, और इसको भी नीचे कर दें, तो x minus 2, whole power 2, हाँ, इसका इसमें into, तो 3 times of x minus 2, 2 by 3, 1 by 3, 3 by ठीक है तो 2 by 3 x minus 2 whole power 1 by 3 either 3x plus 2x 5x minus 6 plus 1 minus 5 5 common 10 x minus 1 by 3 x minus 2 whole power हाँ तो f dash x ये dy by dx को 0 रखेंगे तो क्या मिला है क्या मिलेगा x इक्वल टू 1 ठीक है तो स्टेशनरी पॉइंट क्या आ गया स्टेशनरी पॉइंट ऑफ एफ एक्स फंक्शन इज x इक्वल टू 1 स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट एक ही स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ एक्स एक x इक्वल टू 1 तो आएगा ही आएगा अब f डैश x को ध्यान से देखें किस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं है f डैश x किस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं होगा 2 पर तो क्रिटिकल पॉइंट में एक और पॉइंट ऐड होगा बात समझ में आ गई क्या मैं लिख देता हूं f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 2 पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं है इसलिए क्रिटिकल पॉइंट में इंक्लूड होगा क्रिटिकल पॉइंट 2 है इस फंक्शन के 1 और 2 और स्टेशनरी पॉइंट एक ही है 1 हो गया 1 मिनट सर डन सर ओके फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है ना क्योंकि अभी हमने जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ए और बी पे बताए वो तो ग्राफ देख के बताए हर फंक्शन का ग्राफ तो बनेगा नहीं हमसे इसलिए मैथमेटिकल
मैथमेटिकली किसी फंक्शन में पता करना है कि किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है और किस पॉइंट पर लोकल मिन। हम देखो लोकल मैक्सिमा के लिए ये मान लो x इक्वल टू, तो ये a कैसे आएगा? सबसे पहले लोकल मैक्सिमा या मिनिमा किन पॉइंट्स पर हो सकता है, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, क्योंकि अभी हमने लिखा था नॉन मोनोटोनिक फंक्शन में, ये नॉन मोनोटोनिक, ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन में कहां पर मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है क्लोज इंटरवल ab में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, या तो a और b पर, या उन पॉइंट्स पर जहां f'x 0 हो या f'x एग्जिस्ट ना हो, मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट थे इनडायरेक्टली बोले। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे फंक्शन के। फंक्शन है f(x), तो हम dy / dx या f'x फाइंड करेंगे, उसको जीरो रखेंगे, उससे जो x मिलेंगे, मान लो वो x मिला यहां पर। अब a पर ग्राफ में तो दिख रहा है लोकल मैक्सिमा है, और भी होगा ग्राफ, अपन तो केवल a पे बात कर रहे हैं, और ये भी बोला है कि x equal to a पर अगर लोकल मैक्सिमा है तो वो ग्लोबल मैक्सिमा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम, अगर इतने ही ग्राफ ले लें तो वही ग्लोबल मैक्सिमा भी, रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है रेंज, राइट। तो यस सर, डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें तो सुनो, डेरिवेटिव f'x से क्या मिलता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है किसी भी फंक्शन y equals to f(x) Yes, sir. पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप। तो अगर हम x equal to a के लेफ्ट नेबरहुड में आए a माइनस h पर, a माइनस h पर टेंजेंट का स्लोप, अगर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं a माइनस h पर, तो टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का इंक्लाइनेशन कितना है? एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूस? एक्यूट एंगल है। Yes, sir. Yes, sir. एक्यूट एंगल का टेंजेंट मतलब tan theta क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर पॉजिटिव, सर पॉजिटिव होता है। तो एफ डैश ए माइनस एच, एफ डैश ए माइनस एच पॉजिटिव एंड। अब इधर राइट नेबरहुड में आए, राइट नेबरहुड में ए प्लस एच पर, अगर हमने फंक्शन के टेंजेंट का, फंक्शन के इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप देखे, इंक्लाइनेशन देखे, ये और एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी पॉइंट ए के लेफ्ट नेबरहुड में डेरिवेटिव पॉजिटिव है और राइट नेबरहुड में डेरिवेटिव नेगेटिव, मतलब डेरिवेटिव का साइन कैसे चेंज हो रहा है एक्स इक्वल टू ए के लेफ्ट नेबरहुड से राइट नेबरहुड में पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, देन fx हैज मैक्सिमा एट x इक्वल टू, देन फंक्शन fx हैज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आया क्या लोकल मैक्सिमा का? लेफ्ट नेबरहुड और राइट से राइट नेबरहुड में डेरिवेटिव का साइन किस तरह चेंज हो? पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो, देन उस पॉइंट पर, देन एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमम। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। नोट कर लें। Done, sir. Sir, 1 minute.
डन सर। अब लोकल मैक्सिमा के बाद अब हमें कौन सा देखना है? लोकल मिनिमा। तो फंक्शन है, डेरिवेटिव निकाला, उसको जीरो रखा, उससे मान लो एक्स इक्वल टू मिल गया बी। एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स इक्वल टू बी के लेफ्ट नेबरहुड में टेंजेंट का स्लोप और एक्स इक्वल टू बी के राइट नेबरहुड में ये पॉइंट एक्स इक्वल टू बी, हाँ इस टेंजेंट का स्लोप देखना है। पहले तो इस टेंजेंट का स्लोप देखें, ये थीटा वन है और ये वाली टेंजेंट का स्लोप ये थीटा टू। हाँ तो थीटा वन ऑब्ट्यूस है, थीटा वन देखो, ठीक है। तो हम क्या बोले, एफ डैश बी माइनस एच, बी माइनस एच एक्स इक्वल टू बी के लेफ्ट नेबरहुड में जो टेंजेंट है, लेफ्ट नेबरहुड में जो टेंजेंट है उसका स्लोप नेगेटिव एंड राइट नेबरहुड में जो टेंजेंट है, राइट नेबरहुड में यदि इसके टेंजेंट एंगल कैसा है, एक्यूट, एक्यूट का टेन क्या होता है पॉजिटिव। तो हम ये देखें डेरिवेटिव का साइन लेफ्ट नेबरहुड एक्स इक्वल टू बी के लेफ्ट नेबरहुड से राइट नेबरहुड में आने पर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हुआ था तो मैक्सिमा था, और नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो देन एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू बी। तो ध्यान रखना पड़ेगा भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव जिस पॉइंट की लेफ्ट नेबरहुड से राइट नेबरहुड में, राइट नेबरहुड में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा होता है, और जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव का साइन नेबरहुड में लेफ्ट नेबरहुड से राइट नेबरहुड में नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज उस पॉइंट पर फंक्शन लोकल मिनिमा होता है। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। नोट कराएं कौन सा क्वेश्चन आया? नेगेटिव से पॉजिटिव होता है सर, ये नेगेटिव है ना, यहाँ पर ये एक्स इक्वल टू बी के लेफ्ट नेबरहुड में ये पॉइंट है, उस पर टेंजेंट कहीं का स्लोप नेगेटिव है क्योंकि थीटा वन क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो नेगेटिव। अब जब राइट नेबरहुड में आए बी प्लस एच पर, बी प्लस एच पर ये जो पॉइंट है बी प्लस एच, उस पर टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का जो इंक्लाइनेशन है थीटा टू, वो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है तो टेंजेंट क्या होता है, एक्यूट एंगल का टेन पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है लेफ्ट नेबरहुड से राइट नेबरहुड, डेरिवेटिव का साइन तो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होगा, मिनिमा। सुजल क्या चीज फिर से रिपीट करूं, मैं बोल रहा हूं कि क्रिटिकल पॉइंट निकालना, सबसे पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो रख दिया, उससे जो वैल्यू आई उस पॉइंट के लेफ्ट नेबरहुड में, उसके लेफ्ट साइड में किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव का साइन देखा, राइट साइड में डेरिवेटिव का साइन देखा, अगर डेरिवेटिव का साइन लेफ्ट नेबरहुड से राइट नेबरहुड में जाने पर चेंज हो, कैसा चेंज हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज, तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा। आपके नाम से कोई और भी ऐड है, एक मिनट देखते हैं। समझ में आया कि सभी को, जल्दी नोट करें।
अब हम वो भी केस देखेंगे जहां पर फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही नहीं। हो गया। है ना, अब हम देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन उस पॉइंट पर चेंज ही हो। जैसे कि अगर हम सबसे पहले हमने एफ डेफ एक्स निकाला, उसको जीरो से इक्वेट किया, उससे मान लो एक्स इक्वल टू पॉइंट मिला सी, ये पॉइंट एक्स इक्वल टू सी। अब एक्स इक्वल टू सी कि राइट नेबरहुड ये पॉइंट है, ये टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट का इंक्लाइनेशन ऑब्ट्यूस एंगल है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा इस पॉइंट पर सी प्लस एच पर, टेन थीटा, और थीटा है ऑब्ट्यूस एंगल नेगेटिव। अब ये पॉइंट C माइनस एच पर, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ देखें, ये इंक्लाइनेशन भी नेगेटिव, ये इंक्लाइनेशन भी मोर देन 90 डिग्री है, इस पॉइंट पर भी टेंजेंट का स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो डेरिवेटिव है ना y इक्वल्स टू fx के पॉइंट C पर के लेफ्ट नेबरहुड से राइट नेबरहुड में डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होगा। इफ एफ साइन ऑफ एफ डेफ एक्स, साइन ऑफ एफ डेफ एक्स डज नॉट चेंज, फ्रॉम लेफ्ट नेबरहुड to right neighborhood at x equal to c, at x equal to c, then fx has neither maxima nor minima at x equal to c। बात समझ में आ गई क्या, है ना? तो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सभी को क्लियर हो गया है। सर ये ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे एक बार प्लीज। ये ग्राफ में क्या एक्सप्लेन करना, ग्राफ तो जैसा दिया है वही, ये ग्राफ दिया हुआ दिख रहा है आपको, ग्राफ ये, ग्राफ ये है fx, दिख रहा है ये fx का ग्राफ, ये fx। yes, sir. x equal to c पर, ये x equal to c कैसे आया, ये x equal to c डिफरेंशिएट किया, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, उसको जीरो रखा तो c आया। अब c के राइट नेबरहुड में c plus h पॉइंट, उस पर टेंजेंट निकाली, तो टेंजेंट का इंक्लाइनेशन मोर देन 90 डिग्री है, तो उसका स्लोप tan थीटा नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब राइट नेबरहुड में आए, सॉरी लेफ्ट नेबरहुड में आए, राइट नेबरहुड में तो थे ये, तो सी माइनस है, इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकाला, वो भी क्या है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि थीटा 2, उस टेंजेंट का इंक्लाइनेशन भी 90 टू 180 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल है, तो उसका स्लोप भी नेगेटिव है, तो साइन चेंज नहीं हुआ लेफ्ट नेबरहुड से राइट नेबरहुड में,
दोनों जगह क्या है, डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है, तो एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हुआ, इसलिए एक्स इक्वल टू सी पर फंक्शन ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा। बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है, क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आया, डेरिवेटिव का साइन एक्स इक्वल टू सी पर चेंज नहीं हुआ, लेफ्ट नेबरहुड से राइट नेबरहुड में नेगेटिव था पहले भी और राइट नेबरहुड में आने पर भी नेगेटिव रहा, पॉजिटिव होता पहले और राइट नेबरहुड में भी पॉजिटिव ही रहता, देन एफएक्स डज नॉट हैज आइदर मैक्सिमा और मिनिमा एट दैट पॉइंट। ओके, completed ग्राफ है। यस सर, डन। ओके, डन सर। ओके, ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं, फाइंड लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स। फाइंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स। सबसे क्या पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। बिल्कुल, ये एफ डैश एक्स आया, इसको जीरो रखेंगे, दो पॉइंट आ गए, एक एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू ठीक है ना, दो पॉइंट आए, इन्हीं पर हो सकता है फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा। तो देखो, हम एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे, f'x क्या है 3x x minus 1, किन पॉइंट पर ये नंबर लाइन किसके लिए बना रहा हूं, f'x के लिए, f'x इक्वल उस ये पॉइंट है 0 और एक पॉइंट है 2। हां ध्यान से देखेंगे, सर x minus 2 है, x minus 2 है, ठीक है। अब देखें ध्यान से, 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में मतलब 0 से कम नेगेटिव है ना, ये x को नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव, और इस x इधर x को नेगेटिव रखेंगे और माइनस टू है ही पहले, ये भी नेगेटिव, मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, ये समझ में आया, x इक्वल टू जीरो के लेफ्ट में नेबरहुड में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव, अब राइट नेबरहुड में जीरो प्लस पर जीरो से थोड़ा ज्यादा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव ही रहेगा 0.1 माइनस टू तब भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्या आ गया नेगेटिव। 2 के लेफ्ट में 2 से कम 1.9 ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव, 2 से ज्यादा 2.1 पर पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ तो 0 पर डेरिवेटिव का साइन देखें, x इक्वल टू 0 पर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, लोकल मैक्सिमा, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन लोकल मैक्सिमा,
नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है टू पर, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम एफएक्स हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एफएक्स हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू टू। ठीक है, अगर हमसे फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी होती तो वो भी, जैसे क्वेश्चन में आगे ऐड करूं, ऑल्सो फाइन लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स, है ना, क्वेश्चन है, वो भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, हाँ किस पॉइंट पर मैक्सिमा था, लोकल मैक्सिमा था जीरो पे, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो रख दो, सिक्स, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स टू, इस पर है मिनिमम टू पर, तो निकाल लो टू क्यूब टू, देख लेता हूं निकाल के भाई, याद नहीं है मतलब, देन कितना गया 8 और 6 14 माइनस 4 3 जट 2। ठीक है, तो फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू 6 है और लोकल मिनिमम वैल्यू 2, क्लियर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आया कि कैसे अप्लाई करना है? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नोट कर लेंगे। हेलो सर। सर जी क्या बोलते हैं, क्या बोल, मेरे नाम से इस बार कोई दूसरा लॉगिन हो गया है, अभी अब चला गया वो, उसने जो मैसेज, उसने जो मैसेज लिखे ना जी सर और यस सर, वो मैंने नहीं लिखे। ठीक है बेटा, मैं समझ गया। यस सर वो सबके नाम से लॉगिन होता है, अभी थोड़ी देर पहले सुजर के नाम से। और क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स, एक्स इक्वल नॉट जीरो, क्या करना है, फाइंड लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ एफ एक्स। कर सकते हैं, अब ऑब्वियसली ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस इनफिनिटी है और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफिनिटी, तो रेंज तो माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी हो गई क्या? नहीं, लेकिन माइनस टू और प्लस टू के बीच में इसकी वैल्यू नहीं होती है ना, इसकी रेंज निकालेंगे तो माइनस इनफिनिटी से माइनस टू यूनियन टू टू इनफिनिटी है इस फंक्शन की रेंज। आप दो तरीके से निकाल सकते हो, हमने क्वाड्रेटिक में y से डिनोट करके क्वाड्रेटिक का कांसेप्ट लगा के निकाल सकते हैं, x को पॉजिटिव ले लें तो am gm लगा के भी निकाल सकते हैं, रेंज आएगी माइनस इनफिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू टू इनफिनिटी, लेकिन हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताना।
क्या करोगे सबसे पहले डेरिवेटिव क्या आएगा x का वन इसका माइनस वन बाय एक्स डेरिवेटिव को जीरो रखोगे x स्क्वायर माइनस वन बाय x स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो x स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो x इक्वल टू प्लस माइनस ठीक है अब जो f डैश x का साइन अगर हम देखें f डैश x हो गया हमारा कितना है x स्क्वायर माइनस वन अपॉन x स्क्वायर माइनस वन मतलब x प्लस वन x माइनस वन तो माइनस वन जीरो और वन माइनस वन जीरो और वन ठीक है तो माइनस वन के लेफ्ट में माइनस वन से कम या तो बेबी कर्व ड्रॉ कर ले उससे भी पता चल जाएगा कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव वन से लार्ज यस सर पॉजिटिव जीरो पे रिपीट नेगेटिव पॉजिटिव है ना तो यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव यहां भी नेगेटिव यहां पॉजिटिव है ना तो देखो जीरो पर फंक्शन का साइन चेंज नहीं हो रहा फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा जीरो के लेफ्ट में भी और राइट fx हैज और जीरो देखो उन्होंने क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो अपने को जीरो पे बात भी नहीं करना जीरो पे तो उन्होंने डोमेन में मना ही कर दिया ठीक है जीरो अब हम बात करें वन पर माइनस वन पर करें पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है एफ एक्स हैज मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड एफ एक्स हैज मिनिमा एट नेगेटिव टू पॉजिटिव मैक्सिमा एक्स इक्वल टू माइनस वन पर है ठीक है और मिनिमा x इक्वल टू प्लस वन पर ठीक है क्या यस सर पॉजिटिव टू नेगेटिव कैलकुलेशन बिल्कुल सही है ठीक है ना मैक्सिमा कहां है माइनस वन पर क्योंकि डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है और मिनिमा प्लस वन पे सर अगर इसमें सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस वन और वन लेते हैं तो भी मतलब ये हो जाता ना सर जीरो मतलब नहीं लेते तो क्या नहीं लेते जीरो हाँ तब भी आ जाता मतलब सर नंबर लाइन पे अगर जीरो नहीं रखते अपन तो हाँ मत रखो ना क्या फर्क पड़ेगा तो सर वो फिर अल्टरनेट प्लस माइनस और प्लस हो जाएगा हाँ, प्लस माइनस और फिर प्लस हो जाएगा यस सर तब भी यही रहेगा तब वो क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं मतलब हाँ Done, sir. ठीक है हो गया डन ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बोल रहे हैं नहीं जीरो डोमेन में दिए ही नहीं बेटा जीरो डोमेन में ही नहीं है इसलिए हम जीरो पे कोई बात नहीं करना कर ही नहीं सकते बात जीरो पर कैसे बोले नेदर मैक्सिमा नॉर डोमेन में ही नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स फाइंड लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन
करेंगे। है ना, डिफरेंशिएट करेंगे। सर माइनस वन बाई थ्री पर सर लोकल मैक्सिमा और वन पर लोकल मिनिमा। माइनस सर वन सर वन पर लोकल मैक्सिमा और वन बाई थ्री पर लोकल मिनिमा। यस सर वन पे और वन बाद प्लस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स का। एक्स माइनस वन कॉमन ले लिया तो क्या बचा, टू एक्स और एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन और थ्री एक्स माइनस वन, और जीरो रख दिया, जीरो रख दिया तो वहां से एक्स वन और वन बाई थ्री मिला। तो डेरिवेटिव का साइन देख लें, वन बाई थ्री पर और वन एफ डेस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन थ्री एक्स। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, वन बाई थ्री पे मैक्सिमा और वन पर मिनिमा है ना। यस सर लोकल मैक्सिमा वन बाय थ्री पे ना सर, मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा वन बाय थ्री एट एक्स इक्वल टू वन और मिनिमा एट वन। ठीक है, मैक्सिमा वन बाय थ्री पर और मिनिमा वन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अच्छा इसमें लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी तो फाइंड करना है। सर मैक्सिमम वैल्यू 4/9 मैक्स, लोकल मैक्सिमम है नॉट मैक्सिमम। यस सर लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर, 1/3 पे। सर 1/3 पे हां, तो कितनी आई, 4/9 नहीं 4/9 ही आएगी सर, 4/20 हां 4/20 सर, 4/27 ओके। और लोकल जीरो, मिनिमम वैल्यू वन पर तो जीरो आ गई। जीरो सर। ठीक है यस सर, जी आ रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स इन द इंटरवल -2, 4।
ठीक है। अब अगर क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल के बाहर आ जाए तो वो रिजेक्ट करना आपने को, तो केवल इस इंटरवल में लोकल मैक्सिमा और मिनिमम बताना। ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम और मिनिमम। प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन। सर साइन की गड़बड़ है क्या वहाँ पे? नॉट पॉसिबल आ गया नॉट पॉसिबल होगा ना, कॉम्प्लेक्स में चले जाएगा, माइनस वन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स। सर वो तो रियल होगा ही नहीं सर, फिर वो कॉम्प्लेक्स में चले जाएगा, रूट माइनस वन। तो मतलब एक मिनट, एफ डैश एक्स कितना हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। यस सर। भाई दिमाग लगाओ, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है सर, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन -2 पे और -4 पे आएगा, तो वही लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो जाएगा। और क्योंकि जो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा है वो उसको लोकल भी बोल सकते हैं। मैक्सिमा एट x इक्वल टू 4 और मिनिमा एट x इक्वल टू -2। मिनिमम वैल्यू इक्वल टू एफ माइनस टू निकाल लो और मैक्सिमम वैल्यू एफ फोर निकाल लो। निकाल लो, बताओ क्या क्या है। -14 और ये -2 पर क्यूब -8 -14 और मैक्सिमम 4 पर 4 क्यूब 64 प्लस 76। समझ में आ गया क्या? यस सर। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन, एक्स माइनस वन होल पावर 4। फोर एस सर इसके मिनिमम वैल्यू आएगी? हाँ जो भी आए वो ही बताना, आपको जो एग्जिस्ट हो वो बताना। जैसे एफ डैश एक्स निकाला 4x-1 होल क्यूब, एफ डैश एक्स को जब जीरो रखा हमने तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, तो या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा, दोनों तो हो नहीं सकता, देख लेते। सर माइनस वन हो जाएगी वैल्यू, तो वन पर डेरिवेटिव का साइन। सर माइनस वन इक्वल टू वन, एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा, बात खत्म होगी।
x इक्वल टू वन पर फंक्शन का लोकल मिनिमा है, मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं, एग्जिस्ट नहीं है मतलब इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी इसलिए एग्जिस्ट नहीं। जैसे इसका ग्राफ देखो आप x माइनस वन की पावर फोर, इस टाइप का ग्राफ होगा। y इक्वल x की जगह वन रखें x माइनस वन, ऐसा ग्राफ जाएगा। x जीरो रखेंगे तो y कितना आएगा, वन। ये ग्राफ है ठीक है, वन ठीक है। यस सर। तो इसलिए मिनिमम लोकल मैक्सिमा किस पर, सॉरी लोकल मिनिमा किस पर है, वन पर, वन पर मिनिमा है, और लोकल मिनिमा भी है और ग्लोबल मिनिमा भी है वन पे, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली, प्लस इनफिनिटी, इसलिए वो नहीं एग्जिस्ट होगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ना है, तो उसके पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कोई भी कर्व कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड का होती है, और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके सर। यस सर। लेक्चर का और बचा है। यस सर। तो दो नेक्स्ट टू लेक्चर्स में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसका देरिया फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। कोर्स हो जाएगा सर, कोर्स कोर्स।